हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणिकांत मानिक। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक्रेलिक कलर से बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बनाना सीखेंगे, जो कुछ फाइनली इस प्रकार से दिखेगा। इसको बनाने के लिए हमारे पास जो आवश्यक मटेरियल चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। कोई भी वाइट पेपर, जैसे अभी हम कार्टिज पेपर का यूज कर रहे हैं, उसके बाद एक्रेलिक कलर, उसके बाद फ्रेश वाटर और एक स्पून। पूरे पेंटिंग को हम इस स्पून चम्मच की सहायता से ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले से ही हम इस पेज में टेप को चिपका चुके हैं और इसमें दो पेंटिंग बनाएंगे, एक पेंटिंग इधर और एक पेंटिंग इधर। यदि आपके पास इस टाइप का एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप फैब्रिक कलर भी यूज कर सकते हैं, इस टाइप का आता है, तो आपके पास जो कलर होगा वो कलर आप यूज करेंगे। दोनों में अलग अलग कलर का बैकग्राउंड हम बनाएंगे, जिसमें इसको हम इस दोनों कलर से, यानी कि वाइट और ब्लू कलर, इस दोनों से हम बैकग्राउंड इसका तैयार करेंगे। और इसका बैकग्राउंड है सो येलो कलर और ऑरेंज कलर, और इसमें भी वाइट कलर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज में हम इस प्रकार से कलर को लगा देते हैं, ये हो गया। फिर इधर से फिर येलो कलर को इस प्रकार से लगाएंगे, इसके बाद वाइट कलर, चूंकि हमारा ये ख़त्म हो चुका है तो इसके जगह पे हम ये बड़ा कलर यूज करेंगे, वही सेम कलर ही है, तो इसको हम बीच में इस प्रकार से लगा दिए हैं। चूंकि हमको इस पूरे पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं करना है, स्पून से बनाना है, चम्मच से बनाना है, तो अब क्या करेंगे कि इस चम्मच की सहायता से इस पूरे बैकग्राउंड को मिक्स करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से जब मिक्स हो जाएगा तो इसे स्पून से इस प्रकार से हम टेक्सचर दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर आएगा इस टाइप से जब करेंगे तो। सेम प्रोसेस इधर वाले के लिए भी करेंगे, तो इसमें भी उसी टाइप से पहले हम मिक्स कर देते हैं। अब इसमें भी इस टाइप से टेक्सचर दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इसका बैकग्राउंड रेडी हो गया है और इसमें बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर भी दिखाई दे रहा है। अब हम दोनों में फ्लावर बनाते हैं, अलग अलग टाइप का फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए हम कलर हम एक चूज कर लेते हैं, जैसे रेड कलर का फ्लावर बनाना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास रेड कलर है, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं, यदि आपके पास थोड़ा सा गाढ़ा कलर होगा तो उसको थोड़ा पतला कर लेंगे ऐसे करके, पानी मिक्स करके। और इसके बाद इसको ऐसे करके मिक्स करके और यहाँ पे इस टाइप से चलाएंगे।
एक फ्लावर यहाँ पे बना देते हैं। एक छोटा सा फ्लावर यहाँ पे बना देते हैं। इस टाइप से बस टच करना है, अपने आप लाइट टू डार्क, कहीं लाइट होगा कहीं डार्क होगा, कहीं कलर बैकग्राउंड कलर के साथ मिक्स होगा, वो अपने आप बनेगा। और एक छोटा सा फ्लावर यहाँ पे बना देते हैं, खाली जगह है। इस वाले पार्ट में जो फ्लावर बनाएंगे उसका थोड़ा डिज़ाइन हम चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली ऐसे करके तीन चार जगह टच करेंगे, अपने आप वो फ्लावर के शेप में आ जाएगा। इसमें भी दो तीन फ्लावर बना देते हैं। ये जो लाइट टू डार्क आपको दिख रहा है, चूँकि बैकग्राउंड अभी गीला है, जिस वजह से लाइट टू डार्क अपने आप वो निकल के आएगा जब आप बनाएंगे तो, है ना। अब इसका बीच का जो पार्ट है इसको हम येलो कलर से नहीं तो वाइट कलर से हल्का सा कलर कर सकते हैं, इस टाइप से हल्का सा। यहाँ पे वाइट भी चला सकते हैं या येलो कलर, उस फ्लावर में भी बना देते हैं। अब वाइट कलर से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं और फ्लावर हम बना देते हैं, छोटा छोटा फ्लावर, तो इस टाइप से। ताकि देखने में अच्छा लगे और खाली जगह जो दिख रहा है वो भर भी जाए। इस टाइप से लाइन वगैरह भी खींच सकते हैं हल्का फुल्का। अब इसका पत्ती बनाते हैं, तो पत्ती बनाने के लिए हम ग्रीन कलर यूज करेंगे और येलो कलर, दोनों कलर का यूज कर सकते हैं। तो इस ग्रीन कलर को इस टाइप से चम्मच में लगाना है और इस प्रकार से टच कर देना है। इसको ज़्यादा मिलाना नहीं है, जो और भी अच्छा बनाने के क्रम में क्या होता है ना कि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ये जो टेक्सचर हमारा आ रहा है यही खूबसूरत लगेगा देखने में, ठीक है। तो जैसा इसमें टेक्सचर आ जा रहा है बस वैसा ही छोड़ देना है, एक बार पत्ती के शेप में चलाना है और जैसा वो चल गया उसी टाइप से छोड़ देना है उसको, फिर येलो कलर को भी हल्का सा इसी पत्ती पे चला देते हैं ताकि लाइट टू डार्क लगे देखने में। इसी टाइप से इधर भी हम पत्ता वगैरह बना देते हैं। अब ब्लैक कलर यूज करेंगे और इस ब्लैक कलर से कहीं कहीं पे हाईलाइट कर देंगे, जिससे ये पेंटिंग निकल के आ जाएगा।
इसके नीचे से इस टाइप से थोड़ा सा घेरा बना देते हैं। और इसके नीचे गमला के जैसा थोड़ा सा बना देते हैं सिंपल में ही। इसको हाईलाइट करने के लिए इसमें साइड से वाइट कलर टच करेंगे यहाँ पे इस टाइप से, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ये पेंटिंग मेरा लगभग कंप्लीट है। अब कहीं कहीं देख लेते हैं कि कहाँ पे और कोई कलर दे सकते हैं जिससे और ये अच्छा लगे। जैसे ये हाईलाइट नहीं हो रहा था तो हल्का सा येलो कलर दे देते हैं, थोड़ा सा और ये हाईलाइट हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन कलर भी यहाँ टच कर देते हैं। तो इस स्टेप को अब उखाड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनली कैसा लग रहा है पेंटिंग। तो टेप उखाड़ने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसको एक बार जूम करके देखते हैं। वाह, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये जो टेक्सचर जो दिए थे शुरू में बैकग्राउंड में, वो भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर टेक्सचर लग रहा है देखने में। बहुत ही खूबसूरत। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। अभी इस पेंटिंग को देखें तो ये अभी कम्प्लीटली अभी सूखा नहीं है, जिस वजह से कहीं कहीं लाइट नज़र आ रहा होगा, चमक रहा होगा पेंटिंग। तो आप लोग इस टाइप से बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।